अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को पता है कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका मेन पर्पस जो है आप सब लोगों को प्यास एमएस फेलोशिप टेस्ट रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है। तो आज बेसिकली मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ जो है जो हमारे टॉपिक्स जो कंटेंट्स होंगे जो आज हम शेयर करेंगे वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम ये देखेंगे कि फेलोशिप और रेगुलर फी बेसिस में क्या फ़र्क है, फेलोज कौन होते हैं और रेगुलर फी बेसिस का क्या कंसेप्ट है प्यास में। सेकंड हम ये देखेंगे कि अगर आपको प्यास में फेलोशिप पे अगर एडमिशन नहीं मिलता तो क्या ये एक अच्छा डिसीजन होगा कि आप प्यास को एज अ रेगुलर फी बेस्ड स्टूडेंट ज्वाइन कर लें या ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा, इसके एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर फाइनली हम ये देखेंगे कि इन केस आपको प्यास में फेलोशिप एडमिशन नहीं मिला तो क्या आप कभी भी कमीशन को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे या इसकी अल्टरनेट वेज जो है वो मौजूद हैं जिनके जरिए आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पार्ट जो है वो बन सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि फेलोशिप और रेगुलर फी बेसिस में जो है वो क्या डिफरेंस है। प्यास में जो भी पार्टिकुलरली एमएस की हम बात करें, एमएस में एडमिशन होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एडमिशन फेलोशिप पे होता है, कंपेरेटिवली फेलोशिप के लिए मेरिट थोड़ा हाई होता है, सीटें जो है वो कंजर्वेटिव होती हैं, और रेगुलर फी बेसिस पे भी स्टूडेंट्स नो डाउट बहुत अच्छे ही होते हैं लेकिन ये है कि फेलोज के मुकाबले में उनका मेरिट जो है थोड़ा कम होता है, इसलिए उन्हें रेगुलर फी बेसिस पे एडमिशन जो है वो ऑफर किया जाता है। तो फेलोशिप पे जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होता है उसको कुछ एडवांटेजेस होते हैं। क्या एडवांटेजेस होते हैं? एक तो ये कि जो भी फेलो होगा उसको कोई भी एम एस की फी जो है 2 साल पे नहीं करनी पड़ेगी, उसका एम एस फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चाहे वो किसी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में प्यास का हिस्सा बने या किनपो का हिस्सा बने या वो साइंसेस की फील्ड में प्यास किनपो का पार्ट बने। एक तो ये एडवांटेज हो गया कि एम एस फेलोज का फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। सेकंड ये होता है कि जो फेलोज होते हैं इन्हें पर मंथ 35,000 रुपीज स्टाइपेंड भी मिलता है, तो ये सेकेंड एडवांटेज हो गया। एक एम एस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो फेलोज होते हैं, सेकंड आपको 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है, और थर्ड और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब फेलोज की 2 साल का एम एस कम्प्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद उनको एटॉमिक एनर्जी के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ऑफर की जाती है जो कि SPS 8-17 स्केल बनता है उसमें। तो ये सबसे बड़े फेलोज के एडवांटेजेस होते हैं जो प्यास किनपो में एमएस करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एमएस होता है, जॉब मिलती है और 35,000 रुपीज भी पर मंथ मिलते हैं पूरे 2 साल के लिए, जबकि जो रेगुलर फी बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं इनको इनकी फी इन्हें पे करनी पड़ती है 2 साल अपने एमएस के लिए, और ठीक ठाक फी होती है उनकी, और इसके अलावा ये है कि इनको कोई स्टाइपेंड भी नहीं मिलता, और थर्ड ये है कि इनको कोई जॉब भी नहीं मिलती एमएस के बाद। तो ये तो था फेलोशिप और रेगुलर फी बेसिस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की कि अगर आपको प्यास में किनपो में फेलोशिप के एडमिशन नहीं मिला तो आप एज अ रेगुलर फी बेस्ड स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें तो क्या ये इसका आपको कोई एडवांटेज एट द एंड हो सकता है या कोई एडवांटेज नहीं है। तो अगर बात की जाए कि एडवांटेज नहीं भी है और है भी नहीं है, किस तरह कि आपके साथ आपकी ही क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फेलोज होंगे वो आपको बड़े रिलैक्स और इजी नजर आएंगे, क्यों? क्योंकि उनको 35,000 पर मंथ मिल भी रहे होंगे और उनकी जॉब भी कंफर्म होगी, कंपैरेटिवली आप साथ उनके होंगे, आप फी भी दे रहे होंगे और आपको जॉब भी नहीं मिलनी। तो सम टाइम कुछ रेगुलर फी बेस्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं वहां से उनका जो थोड़ा सा वो डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो खुद को फेलोज से कमतर समझना शुरू कर देते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एक ये हो जाता है। सेकंड ये है कि आपको उस तरह कोई जॉब नहीं मिलनी, जॉब की कोई गारंटी नहीं है, आपने एमएस कंप्लीट करना है, आपने एक आम स्टूडेंट की तरह जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं की तरह ही मार्केट में जाना है,
टेस्ट देने हैं, इंटरव्यूज देने हैं, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मेरिट में आते हैं, तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन एक इसका एडवांटेज भी हो सकता है। एडवांटेज क्या हो सकता है कि आप बाद में एमएस के बाद अटामे के किसी इदारे में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे तो आपको थोड़ी बहुत फेवर दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होगा ये प्यास का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, इसने 2 साल प्यास में गुजारे हैं, प्यास के ही लोगों से इसकी ट्रेनिंग की गई है, तो ये प्यास के माहौल और कमीशन का जो इदारा है इसके इन्वायरमेंट से बखूबी वाकिफ है, तो उस सेंस में वहां पे आपको थोड़ा बहुत एज जो है वो मिल सकता है। तो अगर आपको रेगुलर फी बेसिस पे एडमिशन लेना है प्यास में, तो सोच समझ के लीजिएगा, इसके फवायद कम है, नुकसान आपको थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। तो कोई इतनी अच्छा ये प्रैक्टिस नहीं है कि आप रेगुलर फी बेसिस पे प्यास को ज्वाइन करें, उससे बेहतर है आप नस्ट या कायदे आजम ऐसी किसी यूनिवर्सिटी को जो है वो ज्वाइन कर लें। तो ये मेरा पर्सनल राय है आप लोगों के लिए, बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं। और अब बात कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चन की, कि अगर प्यास में आपको फेलोशिप नहीं मिली, मतलब आपको जॉब नहीं मिली कमीशन में, तो क्या आप किसी और वे से कभी भी कमीशन का पार्ट नहीं बन सकते? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? आपको पता है कि हर साल कैरियर जॉब 1737, जो कि नस्कॉम है, केआरएल हो गया, स्पार्को हो गया, ये लोग अपनी जॉब जो है वो एडवर्टाइज करते रहते हैं अखबार में, इंटरनेट वेबसाइट्स पे। तो अगर आपको फेलो होकर कमीशन का पार्ट बनने का अगर मौका नहीं भी मिलता, तो उसके बावजूद भी आप इन टेस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए आप कमीशन का पार्ट जो है वो बन सकते हैं। तो इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, स्टिल आपके पास कमीशन का पार्ट बनने की ऑप्शन जो है वो मौजूद रहती है। तो ये 3 बातें थी जो बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, तो इनको क्लियर करना मैं जरूरी समझता था आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें प्यास के रिलेटेड जो है डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।